दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वेडिंग एंट्री के काफ़ी सारे आइटम्स। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक काफ़ी नया कॉन्सेप्ट आया है वेडिंग्स के लिए, ग्रूम और ब्राइडल की जो एंट्री होती है उसके लिए। और यहाँ पे फैक्ट्री में आप देख सकते हो काफ़ी सारे आइटम्स ऑलरेडी बने हुए रखे हुए हैं। सो आज की वीडियो में आपको सारे आइटम्स दिखाने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। साथ में ओनर, जो फैक्ट्री के ओनर हैं, हमें यहाँ पे बताएंगे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे इनमें क्या क्या ऑपरेशन कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं, क्या इनकी रेंज लेना रहने वाली है और इनके प्राइजेस के बारे में प्रॉपर डिस्कशन आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया अभिषेक भाई। हाँ जी भैया, तो भैया आज की वीडियो में हम क्या क्या दिखाने वाले हैं। पहले भी हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाई है फाइबर की इसी फैक्ट्री के अंदर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आज प्रॉपरली यहाँ पे देखते हैं। तो हाँ जी सर, क्या क्या दिखाने वाले हम? जी सर, आज पहले भी हमने वीडियो बनाया था, आपको पता ही होगा, पहले आप लोग देखे ही है, काफी वो वीडियो चला था। और आज हमने, वो तो हमारा टेंट डेकोर का वीडियो था, आज हमारे पास ब्राइडल एंट्री और पालकी, ग्रूम, जितने भी जैसे एंट्री के लिए होते हैं वो सारे पालकी आज आपको दिखाएंगे। ज्यादा ज्यादा पालकी बोलते हैं, हाँ, जिसे होती है, ठीक है, जिसे इसमें दुल्हन और क्या कहते हैं दूल्हे के ग्रूम एंट्री होता है जी, आज हम वो कवर करेंगे। और हमें नाइट में शूट करने का रीजन भी यही है, पहले बार हमने दिन में किया था, आज रात में करने का रीजन भी यही है कि ये नियॉन फेस वाले लाइट है, इसको नाइट में ही व्यू सही आता है। अगर हम दिन में बना दे तो ये हमारी लाइटिंग उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आते जी, बिल्कुल। तो हम जो क्लाइंट को दे सामने वाले को, वो सेम चीज हम दिखाना चाहते हैं कि हम ये वाला देंगे आपको। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लाइटनिंग वगैरह जल रही है, इसीलिए हम थोड़ा अंधेरे में शूट करें ताकि आपको जो इफेक्ट है ये पालकी का जो प्रॉपर हमने जो बनाया है इस टाइप से पूरा समझ में आ जाए, किस तरह से आपको जो चीजें हैं वो मिलती है। तो हाँ जी सर, सो इसको जो हम क्या बोलते हैं, जो पालकी को हम लोग अभी नया स्टार्ट किए हैं, 5 से 6 महीने हुआ स्टार्ट किए हुए, और हम लोग इसे विंग्स वाले पालकी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ये जैसे पर बने हुए विंग्स, हाँ, तो इस वजह से इनका नाम दिए है। ये जो लाइटें आ रही है वो नियॉन लाइट बोलते हैं, नियॉन लाइट्स, ये वाली जो एलईडी है, नियॉन लाइट बोलते हैं इसे, ठीक है ना। ये सोफा भी प्रॉपर यहाँ मैकिंग हुआ है, ठीक है ना, और ये चलने वाला भी होता है, जैसे रिवॉल्विंग है, इस पे अगर जैसे हम ऐसे बैठे तो इस पे बैठ के पीछे से लोग ऑपरेट करेंगे, बाद में हम पीछे भी कवर करेंगे। इसमें पहिया भी लगा हुआ है, ठीक है ना, जैसे मोटे वाले टायर लगे हुए होते हैं, व्हील्स होते हैं, काफी तरह के तरह होते हैं, जैसे मैनुअल और क्या कहते हैं ऑटोमेटिक, जैसे ये रिमोट से चलेगा, इस पे बैठ गए और रिमोट से ऑपरेट हो जाएगी, कहीं भी बंदा अगर साइड में बैठ के इसे ऑपरेट कर सकता है भाई। अगर जैसे मैनुअल है तो उसको पीछे से ऑपरेट करेंगे, दोनों तरह से हो जाता है, सब में प्राइस का डिफरेंस होता है। तो इसमें व्हील्स भी मिलते हैं, मतलब आप इसको सरका के भी ले जा सकते हो कहीं भी, और रिवॉल्विंग के लिए आपको इसमें रिमोट वगैरह सारी चीजें मिलती हैं, सब होते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ जो रिवॉल्विंग होते हैं। तो एक बार आपको इसको रिवॉल्विंग दिखा देते किस तरह से चलता है आपका। सो देख सकते हैं ऑटोमेटिक चल रही है पूरा, तो इस हिसाब से पूरा इसका सेटअप आपको मिल जाता है। अब जैसे इसका कैपेसिटी जो होता है ना, वो 5-6 लोग के बैठने के बाद भी होता है, ठीक है। आप भी आ जाइए, बैठ जाइए, एक बार चला के दिखा देते हैं कि इसका लोड कैपेसिटी क्या होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप से आपको इसका, अब हम लोग इस पे बैठ गए हैं, 2 बंदे का वजन आराम से ये ले रहा है, लेकिन कम से कम ये 5 लोगों के 6 लोगों के 10 लोगों के वेट ले सकता है। प्रॉपर इसमें मोटर होती है, और क्या कहते हैं इसमें कॉपर की मोटर होती है, 1 साल की गारंटी होती है, सभी तरीके से ये, और फुल पिल है ये। तो ये जो होता है इसमें क्या कहते हैं 5 से 6 लोगों के 10 लोगों के भी कैपेसिटी है कि आराम से ये खड़े भी हो सकते हैं, फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं इसमें ऑटोमेटिक में भी इतना वेट ले लेगा, जैसे अगर हम ऑटोमेटिक रिमोट वाला करते तो वो भी 5-6-7 बंदे को लेके ये चल सकता है, ठीक है, ठीक है। हमारा तो यहाँ पे जगह प्रॉपर नहीं है ना, तो हम इसे चला के दिखा सकते थे, बाकी हम पूरे ट्रायल करके देंगे जो भी क्लाइंट हम, जैसे इसमें जो भी आपने चीजें लगा रखी है, जैसे कि ये नीचे मैट वगैरह लगा रखा है, सारी चीजें मिलती है इसमें? नहीं, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, जो डेकोरेशन पार्ट का चीज है वो नहीं मिलेगा, बाकी सारे, जैसे ये कपड़े मिलेंगे, ये कपड़े छोड़ के सारे मिलेंगे। अच्छा, ये नहीं मिलेगा, बाकी ये जो सोफा है बैठने का, ये लाइटिंग सारे कम्प्लीट मिलेगा। ओके, तो अच्छा भैया, जो इसका रेंज होने वाला है, प्राइस वो क्या होने वाला है? ये रेंज अगर हम जैसे मैनुअल के बात करें, जैसे हम पुश करेंगे इसे, जैसे धक्का मारने वाली होती है, तो उसका 65,000 रुपये है, 65,000 कंप्लीट सेट। और सिर्फ इसमें जो उसमें रिवॉल्विंग भी होगा, सारी चीज होगा जी, इट इज हमने जिसका वीडियो कर रहे हैं। और इसमें हमें अगर रिमोट वाले करना है जैसे चलने के लिए, तो उसका 30,000+ होता है, 30,000+ होता है, वो किसी में भी हो सकता है, एड ऑन है वो, तो मतलब वो 95,000 का मिलेगा। हाँ जी। अच्छा, जो 65,000 का बता रहे हो उसमें ये लाइटिंग वगैरह सब मिलेगी, सब सब कंप्लीट, ठीक है, ओके। बट वो मैनुअल होगा वो? हाँ, मैनुअल होगा। और ऑटोमेटिक चलो 95,000 का मिलेगा फिर,
ठीक है। अच्छा आप जैसे बता रहे थे इसके अंदर हमारा एक और ऑप्शन है, अब इसमें एक जैसे ये ऊपर का सारे हट जाएंगे, ठीक है ना, विंग्स वगैरह है ये, और वो जो फेस है वो वाले लग जाते हैं, फेस वाले, पालकी वाले, बोलते हैं वाले। उसे हम अभी इंस्टॉल करके दिखा अभी दोस्तों, पहले आपको हम सारे यहाँ पे टूर करा देते हैं और क्या क्या आपको यहाँ पे किस तरह की पालकी मिल जाती है, एंड में इसको चेंज करके एक बार आपको उसका इफेक्ट हम दिखा देंगे। इसमें तो सब कुछ मिलेगा आपको, बट सिर्फ बैटरी छोड़ के डीसी ऑपरेट है सारे। अच्छा। बैटरी नहीं देते क्योंकि बैटरी ट्रांसपोर्टिंग नहीं होती है, ओके, वो दिक्कत आती है, इसलिए हम लोग बैटरी के चार्जेस इसमें नहीं जोड़ते हैं, ट्रायल करके देते हैं, चेक करके आप दोगे ना। हाँ, हमारे पास बैटरी होता है उसे चेक करके हम तो दो वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, मैनुअल में मिल जाएगा 65,000 का, ऑटोमेटिक में मिल जाएगा आपको 95,000 का। तो सर आगे चलते हैं, आपके और क्या क्या है यहाँ पे। अब जैसे किसी क्लाइंट को सस्ते में चाहिए कि हमें तो 60, 65, 70, 90 हज़ार के वो नहीं है, हमें सस्ते में क्या मिल जाएगा, तो हमने ये छोटी सी पालकी बनाई है, इसमें भी नीचे मैनुअल 4 इंच का व्हील्स लग जाएंगे, ओके, और ये भी मतलब कि पुश करने वाली बन जाएगी, पुश वाली बन जाएगी, सरकाने वाली होती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसमें भी दो आदमी आराम से बैठ सकते हैं, इसमें कैपेसिटी होती है 2-3 आदमी के वेट लेने का, कोई दिक्कत नहीं होता, नीचे व्हील्स लग जाएंगे, ये भी मैनुअल ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्या रेंज होगी हमारी? इसकी रेंज हमारा बहुत ही सस्ता 35,000 है, 35,000 का ये प्रॉपर ऐसे बन गया, प्रॉपर ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमारा एक ये वाला है क्राउन वाला जी, ये हमारा काफी चल रहा है आज के टाइम में, क्राउन शेप बने हुए यहाँ पे आप देख सकते हो, क्राउन शेप बने हुए हैं, इसमें भी लाइटिंग लगी हुई है, डीसी ऑपरेट है, और ये भी रिवॉल्विंग है, रिवॉल्विंग होती है भी, जैसे देख सकते हो आपकी लाइटनिंग वगैरह लगी हुई है सारी, और ये बैटरी ऑपरेटेड होती है। हाँ जी। इसमें व्हील्स वगैरह मिलते हैं, ये भी इसमें बड़े पहिए होते हैं, मैं क्या कहते हैं, इसमें भी ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है। हाँ, सेम थीम उसी का प्राइस भी आता है, वही रेंज में भी आता है। किस रेंज में? ये भी 65 का है, 65 की ऑप्शन में, क्योंकि ये रिवॉल्विंग होता है, इससे थोड़ा रेंज जो है बढ़ जाता है वो। इसके बाद क्या आता है हमारा? इसके बाद हमारा ये एक, ये सब तो पहले से चल रहा है, काफी लोग देखे भी होंगे, बाहुबली थीम बोलते हैं ये, बाहुबली थीम आ गई आपकी, इससे हमारे पहले भी वीडियो में होगा ये, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा मैनुअल ऑपरेट होता है, इसमें भी रिमोट सिस्टम बन जाते हैं, दोनों ऑप्शन होता है इसमें। तो अभी जैसे एज इट इज है तो छोटे व्हील्स में है, ठीक है, 6-8 इंच के व्हील में है, अगर ऐसे सिस्टम में लेते हैं अभी ये 55,000 रुपये का है, 55,000 रुपये। हाँ जी। तो इसमें आप जो ये फाइबर का पूरा बना हुआ है और वुडन का फाइबर का इसमें ये आता है, जो आप ये मैट है इसमें नहीं आता? नहीं नहीं, डेकोरेशन पार्ट, डेकोरेशन पार्ट किसी में भी नहीं आएगा वो, क्योंकि वो क्लाइंट का ऑप्शन होता है कि मैं पीले कपड़े लगाऊं, लाल लगाऊं, हरा लगाऊं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसका 55,000 का जो है रेंज है वो, रेंज है ना। इसके बाद हमारा क्या आता है? हमारा एक ये वाला है, इधर आप देख सकते हो मोर वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे, ये वाला भी हमारा नया चल रहा है, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेम वही होती है, मैनुअल और क्या कहते हैं स्टेयरिंग वाले, स्टेयरिंग और ऑटोमेटिक सिस्टम, इसमें भी दुल्हन के लिए खास करके ये है। अब जैसे मैंने ये बाहुबली दिखाया तो ये दूल्हे के लिए है, ठीक है, ग्रूम बोलते हैं इसे, और इसे पालकी बोलते हैं, ये दुल्हन के लिए होता है। तो इसका क्या रेंज होगा, प्राइस रेंज? इसका प्राइस रेंज जैसे अगर हम मैनुअल की बात करें तो 55,000 रुपये होता है, 55,000 का, ठीक है। अगर इसमें स्टेयरिंग इंक्लूड कराए, जैसे प्रॉपर स्टेयरिंग लग जाए, वो तो हमारा छोटे व्हील्स होते हैं, ये तो हमारा 360 मोमेंट का होता है, ऑटोमेटिक घूमता है, ठीक है। और जो हमारे बड़े पहिए आते हैं उसमें स्टेयरिंग इंक्लूड करना होता है, तो स्टेयरिंग लगाने के 10,000 एक्स्ट्रा होते हैं, 10,000 एक्स्ट्रा पड़ते हैं। तो अगर जैसे एजेटी जब ये बना है तो 65 हो जाएंगे, नहीं तो 55 का हो जाएगा, अगर हम ऑटोमेटिक बनाए तो वही 30,000 हमारा एक्स्ट्रा आता है, किसी भी पालकी में वो ऑटोमेटिक सिस्टम लग सकता है, ठीक है ना। इसको भी जैसे यहाँ से जाने के लिए साइड से एक जीना है, ठीक है ना, इधर से लोग एंटर करके वहाँ पे बैठ जाएंगे, बहुत अच्छा व्यू आता है इसका, सारा कस्टम वो होता है, फोल्डेबल होता है, ये सारे जैसे मोड़ है वो अलग हो जाएंगे, इसे पीछे का वो अलग हो जाएगा, सी अलग हो जाएंगे, इसका सिंहासन अलग हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी हो रहता है उससे, और थोड़ा जब कहीं पे सेटअप करना होता है उसके लिए भी इजी पड़ता है काफी, क्योंकि ये सारे आपके जो पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। मेरे से कोई क्लाइंट अगर लेते भी है, जैसे कोई इंस्टॉलेशन में दिक्कत आती तो हमें कॉल कर सकते हैं, मैं उनको गाइड कर देता हूँ, कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उनको सजेस्ट कर देता हूँ कि इस तरह से किया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? ये वाला नेक्स्ट हमारा ये है, ये तो काफी अभी पिछले सीजन में भी चला था, हमारे भी उस चैनल पे थे, पद्मावती बोलते हैं इसे, पद्मावती थीम। हाँ, पिछले सीजन में हमारे पास काफी ये चले थे, और हमारे जो काम होता है वो प्रॉपर बढ़िया होता है, अभी देख भी रहे होंगे कि बिल्कुल फिनिश में, और फिनिशिंग थोड़ा आगे देख सकते हो, हिसाब से जितने भी यहाँ पे चीजें बनाई गई है, डिजाइन बनाए यहाँ पे, ये किस फिनिशिंग में आपको मिल जाते हैं, ये भी देख सकते हो सामने जो आपका बना हुआ है। सो भैया इसका क्या रेंज है अपनी?
इसका रेंज तो हमारा पिछले सीजन में ज़्यादा था, जैसे 60,000, 55, 50, लेकिन अभी जो हमारा, अब जो मैंने इसके फिर से बनाया है, उसका जो कॉस्टिंग हमारा 50,000 आया है, 50,000 रुपये में कंप्लीट मैनुअल। इसमें भी ये पार्ट्स वगैरह सब अलग हो जाते हैं ना, सारी चीज़ें, फिर उसको आराम से जोड़ सकते हैं। काफ़ी लोग का शिकायत होता है कि जैसे सहारनपुर में हमें सस्ता मिल रहा है 35,000 का, 30,000 का, तो उनका चीज़ अलग होता है। हमारा जो मेन जो पद्मावती जो थीम है वो सेम फोटो है, इसका मिला लीजिए और जो हमारा पद्मावती चल रहा है वो दोनों सेम होता है। वो जैसे वो लोग छोटे बना दिए और फिनिशिंग नहीं किए, वो सब होता है। अच्छा भैया, जैसे आपने इतने सारे आइटम दिखाए, आपके और क्या क्या आइटम मिलते हैं? फाइबर के सारे होते हैं, टेंट डेकोर वाले जो हमारे पास जो भी इवेंट का होता है सारे सामान होते हैं, जैसे मिरर वाले और हल्दी सेटअप, और फाइबर के तो मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया ही था। और बाकी हमारे पास पालकी के तो मेन हमारा काम है, जैसे पालकी में हम बहुत अच्छा अच्छा कस्टमाइज करते हैं। जैसे किसी क्लाइंट को ये समझ नहीं आ रहा कि हमने इतने सारे सिस्टम दिखाए, तो वो समझ नहीं आ रहा, कुछ अपने तरफ से भी लाएंगे तो उनको भी हम बना सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। और जितना भी रेंज में हो उनका, जैसे हमें कोई कहता कि नहीं हमें 30,000 में, 35,000 में कोई एंट्री हो जाए बढ़िया, ठीक है ना, हर तरह के हमारे पास कस्टमाइज पीस बनते हैं, सारे बन जाते हैं। बस आपको उसका फोटो वगैरह चाहिए, फोटो या डिजाइन चाहिए होगा, तो भैया आप मेरे को थोड़ा बता दो, जो अपनी यहाँ की फैक्ट्री की लोकेशन है वो क्या पड़ने वाली है? हमारी फैक्ट्री की लोकेशन बहुत ही आसान है, जैसे हमारा जो दिल्ली से, दिल्ली बॉर्डर पे ही है, दिल्ली नियर वाइज पड़ता है, जैसे कश्मीरी गेट से 12-13 किलोमीटर ऑन रोड है। अब जैसे कोई मेट्रो से आते कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे उतरिए, और खजूरी है, अब तो जैसे 2-4-6 महीने में हमारा खजूरी में भी मेट्रो स्टेशन बन रहा है, तो खजूरी से मात्र 3 किलोमीटर पे है। शायद यहाँ पे भी तो अंधेरा हो गया, ये तो हमारे पीछे ही हाईवे जो दिल्ली देहरादून हाईवे है वो हमारे पीछे ही है, ऑन रोड फैक्ट्री पे ही है, तो वहाँ से काफी पास में आप आना चाहो तो आप कश्मीरी गेट से डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो खजूरी तक। खजूरी से आपको ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, प्रॉपर जो डिटेल वगैरह है एड्रेस के आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, कोई ऑनलाइन ऑर्डर देना चाहे तो आप ऑनलाइन ऑर्डर दे देते हो, उसके लिए आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह क्या होने वाली है? कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, और वैसे मैं बोल भी देता हूँ, स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, 5896-3925। एक बार दोबारा भी दोहरा दीजिए, 9958-96-3925 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी 2-3 नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज किसी नंबर पे अगर कॉल नहीं उठ रहा है, नहीं लग रहा है, सेकेंड नंबर पे ट्राई करिए, जैसे कभी बिजी रह जाते हैं, किसी ऑफिस में रह जाता है तो क्लाइंट परेशान हो जाते हैं, जैसे जो पैसे दे दिए हैं, तो ऐसा नहीं, दूसरे नंबर पे आप बात कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो हमने स्टार्टिंग से दिखाया ये इतने हो गए, एक बार जो हमने फर्स्ट वाला दिखाया था नियॉन वाला, उसको चेंज करके और दिखा देते हैं, चेंज करके दिखा देते हैं। अब जैसे ये हमारे अभी रॉ मटेरियल पर आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब फैक्ट्री है, तो यहाँ पे पूरे दिन काम चलता रहता है, काफी सारे आइटम बनते रहते हैं हमारे पास, ऑल इंडिया से ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है ना, और सारे को हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, किसी भी कहीं के लिए भी ऑल इंडिया में ट्रांसपोर्टिंग के लिए क्लाइंट को कोई भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, उसका हम सारे डिटेल देके हम भिजवा के उनको कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला है, इसे ओल्ड पद्मावती बोलते हैं, जैसे नई न्यू पद्मावती तो ये हो गया, ये पिछले साल लॉन्च हुआ है जी। ये पुराने जैसे 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ था, ठीक है ना, इसे पहले पद्मावती बोलते थे, ये हमारा मात्र 35,000 में ये हमारा आ रहा है। सर एक बार जो पहला नियॉन वाला है वो एक बार दिखा देते हैं चेंज करके कैसे होता है। और एक चीज मैंने और नया बनाया है, उसके तरफ थोड़ा ध्यान नहीं गया, आपको वो भी दिखा देते हैं। एक हमारे पास ये बने हैं, इसे शिप बोलते हैं, ये ऐसा जैसे हल्दी सेरेमनी में और क्या कहते हैं सेल्फी पॉइंट के लिए, अच्छा। और प्री वेडिंग के लिए लोग यूज करते हैं, प्री शूट्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। इसके नीचे इसके अंदर सोफा लग जाएगा, अभी लगवा के दिखाते हैं, इसके अंदर बैठ के फोटो शूट हो जाते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट बना है अपने पास, ऐसे सोफा लग जाता है, थोड़े थोड़े जैसे बॉल्स आगे मैं दे दूंगा, मेरे पास फोटो है, इसमें बैठ के आदमी आराम से शूट कराता है, बहुत अच्छा व्यू आता है इसका, और ये नया कॉन्सेप्ट बना है एक। तो इसकी भी आपके पास प्रॉपर इमेजेस वगैरह है, वो मैं ऊपर लगा दूंगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह से इसका जो यूज है वो होता है। और ये कस्टमाइज भी होते हैं, जैसे कोई जैसे ये ट्रॉली नहीं लेना चाहता है, वो जमीन में रखना चाहता है, नया शीप चाहिए होता है, छोटे छोटे शीप इसके आगे लगते हैं, वो इमेजेस में लोग देख के पता लग जाएगा, वैसा भी हो जाता है। तो अब दोस्तों आपको चल के एक बार जो हमारा वो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट था उसमें क्या हम जो उसको चेंज करके दिखाते हैं आपको, आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा किस तरह से उसमें भी आप इंटरचेंजेबल चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हो।
फटाफट से चलते आगे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने आपको सबसे पहले वाली पालकी दिखाई थी वो वापस से दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें हमने जो पीछे का ये डिस्प्ले वगैरह वो सब कुछ चेंज कर दिया, तो भैया इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो हाँ जी भैया, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है हमारा? ये सबसे पहले हमने दिखाया था ये विंग्स वाले, इधर इसका उदाहरण ये देख सकते हो विंग्स हमारे। जैसे किसी क्लाइंट का होता है कि हमें तो ट्रॉली एक ही चाहिए, लेकिन उस पर कॉन्सेप्ट दो हो जाए क्योंकि थोड़ा सस्ता भी पड़ता है उसमें। मान लीजिए अगर क्या कहते हैं 95,000 का हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उसमें से हमारा 30-40 हज़ार रुपए तो ट्रॉली का माइनस हो ही जाता। ऊपर का कॉन्सेप्ट ये ले लेंगे तो हमारा दो कॉन्सेप्ट बन जाएगा, नियॉन फेस वाले पालकी और हमारे विंग्स वाले पालकी, तो 2-in-1 बन जाता है। इसमें कोई चाहे तो जैसे अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई सिंगल भी ले सकते हैं, चाहे वो विंग्स ले ले चाहे ये वाला फेस वाला ले ले। बिल्कुल ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर दो कॉन्सेप्ट हमारा चल जाएगा, उनको भी क्लाइंट को भी फायदा होगा, ठीक है ना। और वो प्रॉपर सेटिंग होता है, इसको मैं चला के दिखाता हूँ। ये सेम रिवॉल्विंग भी है, जिस तरह से क्या क्या मिलता है हमारे जो इस पालकी के अंदर। हमारे इस पालकी में भी सारे हैं, सोफे वगैरह सारे हैं, बस ये कपड़े हमारा डेकोरेशन पार्ट नहीं होता है, जो होते हैं ठीक है ना। बाकी सारे इसको भी आपको रिवॉल्व करके दिखा देते हैं। इस पे आइए बैठ जाते हैं, ठीक है ना। इसका कैपेसिटी भी चेक हो जाएगा आपका, कैपेसिटी सेम अपनी वही है 5-7 लोगों की जो होती है। हाँ ठीक है, जो हमारा इसमें सोफे वगैरह थे उस वाले विंग्स वाले में दूसरे सोफे आते हैं, इसमें अलग सोफा है। ये प्रॉपर सोफा जो होता है उसका फैब्रिक भी देख लीजिए, पीछे स्ट्रिप भी, हमारा फेस भी, तो डिजाइनर सोफा मिलता है, डिजाइनर सोफा है ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से हो जाएगा, किसी को व्हाइट चाहिए, किसी को रोज गोल्ड, व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा चल जाता है, ब्लू हो जाएगा वो भी हो जाएगा ठीक है। तो इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है, सेम पड़ता है या थोड़ा डिफरेंस है? नहीं नहीं, तो इसका कम है क्योंकि विंग्स वाले में कॉस्टिंग ज्यादा है। इसका 55,000 रुपए है, 55,000 रुपए है इसकी, ठीक है ना। मैनुअल वाले की, मैनुअल ना, ऑटोमेटिक में कितना, वो 30,000 हमारा इंक्लूड हो जाता है, उसमें 85 का हो जाएगा ये वाला, है ना। और अगर दोनों साथ में लेते हैं तो, जैसे विंग्स भी चाहिए ये भी चाहिए हमारा, जैसे विंग्स और अगर ये दोनों हमें लेते हैं तो ट्रोली का हमारा जो भी, जैसे मैनुअल में है तो मैनुअल का माइनस हो जाएगा 10,000 रुपए। अगर हमारा जैसे वो क्या कहते हैं ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है तो 40,000 माइनस हो जाएंगे, 30,000 प्लस 10,000 40 माइनस हो जाएंगे, तो वो जिस तरह से जो बनाएंगे उस हिसाब से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब काफी लोग होते हैं कि जैसे कोई बेल्डर से बनवा लेते हैं कि नहीं हमारा यही वाला शेप आ रहा है, लेकिन ये लुक नहीं आती है जी। अभी काफी सारे जैसे हमने जैसे ये विंग्स वाले बनाए हैं, तो विंग्स वाले हमने प्रॉपर फाइबर के बनाए हैं। अगर हम वीडियो में थोड़ा सा, अगर ये नाइट का समय है दिख नहीं रहा, नहीं तो अगर देखेंगे तो ये हमारा पूरा फाइबर्स है। अब काफी लोग होते क्या है कि ये ना सीट कटिंग करा लेते हैं PVC का और वो दे देते हैं लोगों के, तो उसका रीजन ये होता है कि वो छोड़ देता है। हमारा प्रॉपर अगर थोड़ा सा हमारा वेंडिंग का काम है, नहीं तो मैं इसे दिखाता पीछे करके, ठीक है ना। तो अभी वायर्स वगैरह लगे हुए हैं, हाँ। तो यहाँ से ये हमारा जो है पता लग जाएगा, हमारा ये फाइबर है। मैं थोड़ा सा क्लाइंट को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग आजकल जो बना रहे हैं ना वो PVC में बना रहे हैं, फाइबर प्रॉपर नहीं होता। हमारा फाइबर का है, पीछे लोहे इसके बढ़िया पेस्ट होए हुए हैं, सरिया लगे हुए हैं, लेकिन जो PVC होगा उसमें सिर्फ लोहे चिपका देते हैं फेविकॉल से, ठीक है ना, तो वो छूट भी जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये चीज का ध्यान रख के खरीदते समय हम लोग प्रॉपर फाइबर से बनाते हैं और फाइबर का हमारा काम है। तो थोड़ा सा मैं ये मेंशन कर दिया हूँ इसमें कि आगे से ले किसी से भी तो उनसे जरूर पूछे कि आप फाइबर दे रहे हो, PVC दे रहे हो, या हमें क्या दे रहे हो आप, MDF दे रहे हो। जितने भी हमारे यहाँ पे आपने जितनी पालकी के सारे फाइबर में, सारे हमारा फाइबर में, फाइबर रेजिन पॉलिएस्टर सारे हमारा एक क्लास का रेजिन यूज होता है वो लगाते हैं। अब पूरा प्रॉपर पॉलिश वगैरह करके देते हैं, ठीक है ना। तो एक बार बस आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह दोबारा दोहरा दीजिए, और यहाँ का जो नंबर हमारा आपने बता दिया था बीच में, एड्रेस बता दिया हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है 9958963925। एक चीज क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे जो भी आपको ऑर्डर देता है तो उसको पेमेंट वगैरह ऑनलाइन रखनी पड़ेगी, ऑनलाइन रखते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन कर दीजिए, हमसे बात हो जाएगी, जैसे कोई हमसे पालकी लेते भी है अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उनके सहयोग भी करेंगे, जैसे कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है ना जी। ये नहीं कि हम अगर माल ले लिए और मैंने बेच दिया तो हमें उनसे खत्म हो गया, उनसे जुड़े रहते हैं, कोई भी दिक्कत आती है तो उसको मैं सजेस्ट कर देता हूँ ऐसे हो सकता है, चाहिए हो सकता है, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टिंग के जो इवेंट के बारे में आपको सजेशन भी दे देंगे उनको कि भाई क्या आपको उनको लगाना चाहिए इवेंट में, क्या नहीं लगाना चाहिए उस टाइम। अगर जैसे वो पहले से भी कर रहे हैं और भी उनपे पालकी वगैरह है तो उनको मैं नए मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, जैसे उनके पास कोई ट्रॉली पड़ा है, जैसे मान लीजिए वो बाहुबली पड़े हैं उसपे कुछ और लगाना, तो मैं उस पर जैसे पद्मावती सेट
सेट कर दिया या मोड़ वाले पालकी सेट कर दिया या फेस वाले कर दिया, कुछ ना कुछ एड ऑन एक्स्ट्रा एड ऑन कर देंगे उन्हीं के उस पे, ठीक है ना। ये तो राउंड सर्कल में हमारा है, विंग्स वाले भी और ये फेस वाले भी। कोई अगर कहते कि नहीं मुझे तो स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर में भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। जैसे स्क्वायर और गोल का कोई वो नहीं है, वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे वो कहेंगे बन जाएगा अपना, ठीक है ना। सो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आप सभी को यहाँ पे जो फैक्ट्री से डायरेक्टली फैक्ट्री से आपको सारी पालकीज दिखा दी, जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की पालकीज मिलती है, फाइबर के आइटम भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, प्रॉपर डिटेल्स वगैरह आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, आप यहाँ पे आ भी सकते हैं। दिल्ली NCR में ही पड़ता है, नियर बाय अगर मेट्रो से आना तो कश्मीरी गेट है, वहाँ से आपको डायरेक्टली ऑटो वगैरह यहाँ तक के लिए मिल जाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं अभिषेक आप सभी के लिए इसी टाइप से इवेंट से रिलेटेड आइटम्स की वीडियो भी लेके आता रहता हूँ। सो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।